2024 की तैयारियां मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तेजी से कर रही है। हमने अपनी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब को भेज दी है। कहां से चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसको टिकट देंगे, यह अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किसी से भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी गठबंधन के लिए किसी से कोई बात नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मैं समझता हूं कि मोदी को हराने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। बहन कुमारी मायावती जी का विजन और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी, क्योंकि उन्हीं ने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री में साबित किया है कि वो बेहतरीन मुख्यमंत्री थी। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम सब बहन कुमारी मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो सम्मानित नेता हैं देश की और उनको, वो दलित भी हैं, उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से कोई देरी नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनके दावेदारी पेश की जाती है तो यह देश के लिए भी बेहतर होगा, अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा, दलितों के लिए बेहतर होगा और पिछड़ों के लिए भी बेहतर होगा।